आज हम डिस्कस करेंगे बेबियस ऑफ बीम। हमारे पास ये बीम गिवन है जिसकी हमको क्लियर स्पान दी हुई है 3.05 मीटर की। ये हमारे दो दो कॉलम है जिसके अंदर दो मेन बार है 16 डाई के, और दो बार है 16 डाई के एक्स्ट्रा, टॉप एक्स्ट्रा। और यही सेम हमारे नीचे है, दो बार 16 डाई के मेन बार और दो बार है हमारे 12 डाई के एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा। तो आज हम निकालेंगे टॉप मेन बार, टॉप एक्स्ट्रा बार, बॉटम मेन बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार और स्टीरअप्स। तो हम सबसे पहले निकालेंगे टॉप मेन बार, तो हमारा क्या जाएगा, क्लियर स्पान प्लस एलडी और माइनस बैंड डिडक्शन। हमारे पास दो बैंड है 90 के, तो हमारे दो डिडक्शन हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, क्लियर क्लियर स्पान प्लस 2 LD माइनस 2 बैंड डिडक्शन। क्लियर स्पान है हमारे पास, तो अगर हम इसको mm में लिखे तो ये लिखेंगे 2 LD 50 × D, हमारा डाया है 16 माइनस 2, और 90 के लिए हम करते हैं 2D, तो हमारा हो जाएगा ये प्लस 80 × 8 और माइनस 2 × 2 × 16, हमारा जाएगा 2.586 मीटर की आई है। तो हमारे पास ऐसे दो बार थी ऊपर, टॉप मेन बार। अगर हम इसको केजी में निकाल लें, वेट निकाल लें इसका, तो हमारा आएगा D² / 160 × लेंथ। दो बार थे तो हमारे हो जाएगा kg। ऐसे हम निकाल लेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार, इसके लिए हो जाएगा हमारा LD। कैसे लेंगे इसको, ये हमारा यहाँ से हो जाएगा LD और यहाँ से हमको गिवन है 90। तो LD प्लस 90 हो जाएंगे दो, एक लेफ्ट और एक राइट का 50D + 90। हमारा D है 16, तो सीधा 8 ये हो जाएगा 800। हमारे आगे 1700 mm की टॉप एक्स्ट्रा बार, दो थी ऐसी हमारी। तो इसका अगर वेट निकाल ले हम, ये हमारी लेफ्ट साइड की LD का वजन। ऐसे हमारी × 2 कर देंगे तो राइट की भी आ जाएगी। अब हम निकाल लेंगे बॉटम मेन बार, हमारा हो जाएगा 2 LD प्लस क्लियर स्पान
-2 into 2d। हमारे 2 बार थे, ये भी सेम ही आएगा। टॉप ऐसे ही, ऐसे ही बोटा हमारा मेन बार है, सेम रहेगा हमारा। वेट कर लेंगे इसका, वही सेम हो जाएगा हमारा टॉप की तरह। कर लेंगे हम बॉटम एक्स्ट्रा बार। ये हमारा चेंज हो गया क्योंकि इसमें डाया चेंज हो रहा है हमारा, तो इसके अंदर आएगा LD। तो 90 into 2, 15 into 12 डाया का है हमारे पास, और ये 90। हमारी आएगी 1.5 मीटर की बार, और ऐसे हमारी क्या आएगी 2 बार है, तो इसका वेट हो जाएगा 2 square upon 162, टू लेंथ। थ्री थ्री आंसर आ गया, और हमारी कितनी है 2 बार है, तो हमारा आ जाएगा 2.66 kg। हम निकालेंगे अब स्टीरअप्स। हमारा फॉर्मूला होता है क्लियर स्पान अपॉन स्पेसिंग। हमको जो स्पेसिंग है, हमको 100 की स्पेसिंग दी है +1। आपको इमेज में दिख भी रहा होगा ही, तो हमारा आ जाएगा 30.5 + 1 31.5, जो कि हम लेंगे 32 स्टीरअप्स।